नमस्कार दोस्तों, मैं विनय HSSC एग्जाम क्रैकर में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। आज हम जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो परसेंटेज की हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने परसेंटेज के बेसिक के बारे में और कुछ बिल्कुल आसान से सवालों के बारे में पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन सीखेंगे, तो धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं। आज बात कल जो क्लास थी उसमें टाइप वन कवर हो चुका था, आज टाइप टू और टाइप थ्री को हम कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे नए हैं या पुराने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे, तो हम आपके सपोर्ट की भी उम्मीद करते हैं। चलिए आज हम बात कर रहे हैं, ये टाइप हमारा टू है, ठीक है। आज हम जिन क्वेश्चन की बात करेंगे वो होगा, उसको हम कहेंगे या तो ए बी रूल, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पी सी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। पी का मतलब यहां पर क्या है? पी का मतलब है भाई प्राइस, सी का मतलब कंजम्पशन, ठीक है। और ये हो गया एक्सपेंडिचर। हिंदी में कहें तो प्राइस का मतलब होता है कीमत, ठीक है। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग करना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम इसका, कह सकते हैं इसको यूज करना भी कह सकते हैं, ठीक है, या कहेंगे हिंदी में उपभोग करना, ठीक है। किसके इक्वल होगा ये? ये होगा खर्च के इक्वल। देखो मैं कहता हूं कि मैं दो पेन खरीदता हूं, ठीक है, तो बता एक पेन की कीमत ₹5 है, तो बताइए दो पेन की कीमत कितनी होगी। देखो मैं कहता हूं मैं कीमत एक पेन की कितनी है? 5, और कितने पेन कंज्यूम कर रहा हूं मैं? 2, तो उनकी कीमत कितनी होगी भाई? ₹10, ठीक है, समझ पाए होंगे आप। कंजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज को यूज करना या उसका उपभोग करना, या कह सकते हैं हम एक और आप लोगों के लिए खपत कह सकते हैं, ठीक है, उपभोग करना, खपत करना। तो इस टाइप में किस टाइप के हम क्वेश्चंस की बात करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये दो तरीके से आते हैं। पहला तरीका आपके सामने अभी आएगा, देखिए। अगर मैं कहता हूं चीनी है मेरे पास, मैं 1 kg चीनी का उपभोग करता हूं, ठीक है, चीनी मेरे पास है, मैं 1 kg का उपभोग करता हूं, ठीक है। चीनी की कीमत पहले ₹10 थी, ठीक है, अब चीनी की कीमत क्या हो गई? ₹9 हो गई। क्लियर बात यहां तक? अब देखो पहले मैं खर्च कितना कर रहा था, आप कितना करूंगा? तो मेरे खर्च में कितने की कमी आएगी? 1 की कमी आएगी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए कहा जा रहा है राकेश की आय से 15% कम है। देखो कहा जा रहा है राकेश जो है और रमेश है मेरे पास,
राकेश क्या, रमेश क्या, ऐसे 15% कम है। देखो राकेश की आय कम है रमेश से, ठीक है। मैं कहता हूँ रमेश की आय 100 है तो राकेश की कितनी है, 85, ठीक है। तो बताओ क्या पूछा गया भाई, तो बताओ रमेश की आय राकेश की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो रमेश की आय, रमेश की आय राकेश की आय से कितनी अधिक है, 15 है भाई अधिक। रमेश की आय राकेश की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक कितनी है, 15। किससे पूछा है, राकेश की आय से, तो राकेश की आय है कितनी भाई, 85, ठीक है। कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 300/17, ठीक है। 17 × 17, 17 × 7 = 119, ठीक है। 17 × 6 = 100, तो सी हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। हम आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चीनी के मूल्य में 10% की कमी की जाती है, ठीक है। एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए मैं कहता हूं प्राइस है, कंजप्शन है और एक्सपेंडिचर है, ठीक है। 10% कमी का मतलब है, प्रतिशत को मैं नीचे हटाना चाहूं तो 10/100, 1/10 कमी हुई है। तो पहले प्राइस किस में कमी हुई है, मूल्य में भाई, लिखा हुआ देखो, पहले प्राइस 10 था तो अब प्राइस कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। कंजप्शन का मुझे नहीं पता कितना है। देखो क्या कहा जा रहा है, व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, तो यहां क्या है, एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, ठीक है। देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूं, आपको मैं दोनों मेथड बताने जा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं दोनों मेथड अच्छे लगेंगे आपको और आप दोनों से अच्छा सीखोगे। देखो मैं कहता हूं मैं यहां का क्या कर रहा हूं, कंजम्पशन 9, ठीक है, तो मेरे पास एक्सपेंडिचर क्या आएगा, 90, ठीक है। अगर यहां मूल्य 9 रुपये हो गया और यहां कितना आएगा, 90 आएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम कहा गया है, व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो यहां मैं कितना लिखूं, 10 लिख दूं, 10 × 90, ठीक है, या फिर आप इस 90 को 9 से भाग करोगे तब भी 10 आएगा। देखो अब यहां से आपको एक बात पता चलनी चाहिए कि पूछा गया है खपत में कितनी वृद्धि करे, पहले खपत कितनी थी, 9, अब खपत कितनी हो गई, 10, तो कितनी वृद्धि हुई भाई, 1 की, कितने पे हुई है, पहले कितनी थी, 9 हुई, ठीक है, 9 थी, तो 100/9 या फिर कह सकते हैं 11.11%, ठीक है। एक तो बेसिक मेथड आपके पास हो गया ये, अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, क्योंकि बहुत से बच्चे जानना चाहते हैं सर शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, तो शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। देखो हमारे पास जैसे ये आ गया, हमें पता चल गया, अब उसके बाद यहां से आप एक चीज पता कर पा रहे हो, ये इसका ठीक उल्टा है या नहीं है, इसका ठीक उल्टा है ये, ठीक है। अब मुझे देखो वृद्धि करनी है तो कितने ही करूंगा, 1 की तो करूंगा, 1 की कितने पे करूंगा, 10 में से 1 घटा दूं तो अब कितना हो गया, 9 हो गया, तो क्या आंसर होगा मेरे पास, यही होगा, ठीक है। दोबारा से आप इसको देखो, अब है 1/10,
नया होगा मेरे पास, 10 में से एक कम कर दूंगा 9, और कितने की करूंगा, इस एक की ही तो करूंगा, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। ठीक है, आगे चलें। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर जो बच्चा भी नहीं समझ पाया तो नेक्स्ट उसमें आपका और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही क्लियर कर देते हैं आपको और अच्छे से। कह रहा कि 20% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, परसेंटेज को हटा दूं मैं, 1/5, पहले कितना था 5, अब कितना हो गया भाई 6। ठीक है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। देखो यहां से एक बात आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जब किसी चीज में वृद्धि करेगा तो उसका जो अपोजिट होगा उसकी ही कमी करेगा। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। तो वृद्धि यहां पर हुई कितने की थी, 1 की, तो कितने की कमी करेगा, 1 की इंटू में 100, 2 × 6 = 50, 50/3 मतलब 16.7। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहो बेसिक से भी तो ऐसे कर सकते हो, प्राइस कंजम्पशन ये एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब प्राइस कितना था पहले 5 था। ठीक है, मैंने कहा कंजम्पशन कितना था 10 था, तो एक्सपेंडिचर हो गया 50। ठीक है, अब क्या हुआ प्राइस में, प्राइस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस 5 से कितना हो गया 6 हो गया, अब ये होगा कितना 50। ठीक है, अगर मैं 50 यहां 50 लाना चाहूं तो मैं क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 25/3 से। ठीक है, अब पहले 10 था, 25/3 हो गया, तो कितना बढ़ा 5/ यहां अब देख लो, अब 25/3 हो गया है, पहले 10 था। ठीक है, पूछा गया कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। ठीक है, तो क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो कितने की कमी होगी, 5/3 की, किस पे 10 पे। ठीक है, इंटू में 100, 5 × 10, 2 = 50, 50/3 कितना होगा भाई 16.7। ठीक है, आगे चले। चलिए, कह रहा कि किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% की कमी की गई। ठीक है, अब इसको हम बिल्कुल बेसिक से नहीं देखेंगे, शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, 1/4 कमी की गई है भाई, ये माइनस आएगा यहां पर, 1 जो है माइनस का है। ठीक है, माइनस 1/4। ठीक है, तो अब नई कीमत कितने की, अब कीमत हो कितनी गई भाई, अगर 4 में 1 की कमी करेगा तो 3 की हो गई। कह रहा मूल्य वापस ना लेंगे, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। देखो तो 1 की तो वृद्धि करेगा। ठीक है, ऊपर 1/3 इंटू में 100, 33 से 1/3%। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक, आगे चले। और आसान सा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है। देखो 15% की वृद्धि, परसेंटेज हटाने के लिए 100, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, अब हो कितने की कीमत, ठीक है 23, कितने की खपत में कितने की कमी करेगा, 3 की तो कमी करेगा, इंटू में 100। ठीक है, अब देखो ऊपर आ गया मेरे पास 300/23, 23 × 1 = 23, 7 × 23 = 69। ठीक है, 13.04। ठीक है, क्लियर है बात, आगे चले। चलिए, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए से, देखो ए है मेरे पास, बी है, कह रहा है ए की आय बी से 20% कम है,
बीस से 20% कम है, ये अगर ये 100 है तो ये 80 है, ठीक है, होगी बात यहां तक। पूछा क्या जा रहा है, बी की आय, बी की आय, ये बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, देखो कितनी अधिक है, 20, किससे पूछा गया है, ए से, तो ए की कितनी है 80 इंटू में 100, 20 चौक 80 4 तो 5, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस के लिए आपको मैं तरीका ही बताता हूं, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो इस क्वेश्चन को, तो आपको अगर 20% दिखे तो उसका अपोजिट आप अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आप 25% लगा सकते हो, 100 में से 90% आपका आंसर सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 के बारे में। टाइप नंबर 3 में हम कुछ इससे आगे सीखेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती हैं हमें जरूर बताएं, अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी हमें बताएं, अगर बेहतरीन वीडियो लगती है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बेहतरीन लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, नाइस लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टाइप नंबर 3, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो प्लस टू लेवल के एग्जाम होते हैं या कई बार ग्रेजुएशन लेवल में भी एक आधी बार पूछा जाता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2021 में, तो एमटीएस का एग्जाम आपको पता है। चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहा जा रहा है यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो आपने एक चीज सीखी है अभी तक कि कोई चीज बढ़ेगी तो किस में बढ़ेगी, 100 में बढ़ेगी, ठीक है, कम होगी तो किससे कम होगी, 100 से कम, ठीक है, ये चीज आपने सीखी है। अब देखो मैं आपको एक मेथड और सिखा रहा हूं जिसको हम कहेंगे सक्सेसिव मेथड। अगर कोई चीज लगातार दो बार बढ़ रही है तो उसको लिखेंगे a प्लस बी, ए बी बटे 100। अगर वो चीज एक बार बढ़ रही है एक बार कम हो रही है तो लिखेंगे a माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। ये हमारे पास क्या है, ये सक्सेसिव निकालने के फॉर्मूलाज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सक्सेसिव वाले फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। देखिए मैंने कहा 10% बढ़ रही है, देखो इसके लिए हम एक और मेथड भी लगाते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। 10% बढ़ रही है तो 10, ए हमारे पास क्या है, ए भी तो यही और बी भी यही है क्योंकि ए की तो गिवन है मेरे पास, 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 बटे 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 और 10 20 प्लस 1 कितना हो गया, तो ए हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुछ बच्चों को ये मेथड आता है कुछ को नहीं आता, जिनको ये मेथड नहीं आता उनको ये मेथड आता होगा, उनके लिए भी मैं दूसरा मेथड आप लोगों को बता देता हूं। देखो क्या कहा जा रहा है, एक एज बढ़ गया, क्या पहले एज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, 10, अब कितना हो गया भाई 11, पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 11, ठीक है। क्या पूछा गया, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस, ठीक है, अब ये कितना हो गया 121, कितना बड़ा भाई 21 ही तो बड़ा, ठीक है, कितना बड़ा है भाई 21, क्या होगा मेरे पास 21 होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि हुई। देखो अगर मैं कहूं यहां से
15% और 20% की क्या हुई है भाई, वृद्धि तो हुई है। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, 20 पंजे 100, 5 दिए 15, 35 और 3 38, ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। अब बात करते हैं सेकंड मेथड से। देखो ये लेंथ है, पहले लेंथ कितनी थी भाई, देखो 15 को प्रतिशत हटाऊंगा तो 3/20, पहले 20 थी भाई, ठीक है, और ब्रेथ कितनी थी भाई, 20 की परसेंटेज अगर मैं हटाऊंगा तो 1/5, पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 6, पहले कितनी थी 20, अब कितनी हो गई 23, ठीक है, 2 × 3 = 6, 10, अब पहले क्या पूछा गया है, एरिया, पहले एरिया कितना था भाई 50, अब एरिया कितना है 30 × 69, तो कितना बड़ा है 19 बड़ा है भाई, कितने पे 50 पे, ठीक है, 50 × 50 = 50, 50 × 100 = 19, 38%, ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड है। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100 वाले मेथड से करना चाहिए, क्योंकि ये इजी मेथड है और जल्दी इससे क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि आयत की प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, देखो 12% बढ़ाया है, ए इंटू बी बटे 100, 12 × 12 = 24, ये देखो ये कितना होगा 12 × 12 = 12 कितना होगा 144, ठीक है, बटे 100, क्या कह सकते हैं 24 + 1.44 25.44, ठीक है, 25.44 क्या होगा मेरा राइट आंसर। देखो ए बी से कितनी इजीली ये क्वेश्चन हो गया, और अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहेंगे तो उससे भी आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा कि थी किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए मैं कह रहा हूं कितने की वृद्धि की जाए, 23 की, कितने की जाए भाई 23 की, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी बटे 100, 23 और 23 कितना हो गया 46, 46, अब आपको 23 का स्क्वेयर बताना है, ठीक है, 23 का स्क्वेयर होता है 529/100, 46 जमा में 5.29, या कहेंगे 46 और 5 = 51.29%, तो बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन SSC MTS 2021 में आया है, बच्चों को लगता है कि शायद बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी आते हैं और बिल्कुल हल्के भी आते हैं, तो आपको डरना नहीं है एग्जाम को देख के, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेंथी जरूर होते हैं लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता जो बच्चा नहीं कर पाए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए काफी इंटरेस्टिंग सवाल आ गया है आपके पास, एक त्रिभुज के आधार में 30% की वृद्धि की जाती है तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल जो है 50% बढ़ जाए। देखो अगर मैं कहूं बेस इंटू हाइट ही तो होगा क्या, एरिया, ठीक है, बात क्लियर है, ये तो आपको पता है। चलिए अब कहा क्या जा रहा है आपसे,
एक त्रिभुज की आधार जो बेस है उसमें 30% की वृद्धि की जाती है। देखो 30% की वृद्धि का मतलब क्या है मेरे पास, यहाँ प्रतिशत को हटाऊंगा तो कितना, पहले बेस कितना था भाई 10, अब बेस कितना हो गया 13 है, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई में कितने, उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल 50% बढ़ जाए। देखो यहां से अगर एक बात आप ध्यान दे पा रहे होंगे, देखो मैं कहता हूं हाइट पहले कितनी थी 13 थी, तो एरिया कितना था 130 था मेरे पास, ठीक है। बात क्लियर है आप यहां तक? अब क्या कहा जा रहा है, एरिया कितना बढ़ जाए भाई 50% बढ़ जाए। अगर 130 का 50% मैं निकालना चाहूं तो कितना होगा, 2 6 12, 2 5 10, अब कितना हो जाए 195 हो गया, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां 13 है यहां 195 है, ठीक है। तो मैं यहां क्या लिखूं कि 13 गुना में वो संख्या हो और उसके बराबर क्या आ जाए 95, तो 195 को मैं किससे भाग कर दूं 13 से, 13 एकम 13, 13 5 65, ठीक है। अब देखो ऊंचाई में कितने प्रतिशत, ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, पहले ऊंचाई कितनी थी 13, अब कितनी होगी 15, तो कितनी बढ़ी 2, किस पे बढ़ी 13 पे, ठीक है, 200/13, या फिर कहेंगे 13 एकम 13, ठीक है, बटे 7, 13 5 65, ठीक है। डी हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर। बात क्लियर है यहां तक? उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे, मैंने बिल्कुल इजी वे से, इजी मेथड से आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या में 20%, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसकी ऊंचाई को 45% कम कर दिया जाता है, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? एक बात आपको पता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है 1/3 πr² h, ठीक है। r यहां कितने बार है 2 बार, एक आपको इसी बात का ध्यान रखना है, r क्या स्क्वेयर है, तो r यहां क्या है 20/100 कर दूंगा मैं, 1/5, ठीक है। बात क्लियर है? पहले कितना था आर, देखो आर ये तो एक बार हुआ, आर का अगर स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 25, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक? समझ पाए होंगे? चलिए ये हो गया मेरे पास आर स्क्वायर, अब एच चाहिए मुझे। देखो उसके बाद कहा गया बढ़ा दी जाए, अब 5 से 1 बढ़ गई तो कितना हो गया यार, अब मेरे पास आर हो गया 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, अब आर हो गया मेरे पास 36। एच चाहिए मुझे, एच कितना है 45% कम कर दी जाए। देखो 45% कम का मतलब है 45/100, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, पहले कितनी थी 20, अब कम कर दी गई होगी कितनी, 20 में से अगर मैं कम कर दूं तो 11 है, ठीक है। ये कितना हो गया 500, 11 6 66, 11 3 33 और 6 33 और 6 39। देखो पहले एरिया कितना था, सॉरी वॉल्यूम कितना था, सिलेंडर यहां पर दे रखा है आपको, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था 500, अब कितना है 398, तो कितने का फर्क पड़ रहा है 104 का, 104 कम हो गया कितने पे 500, ठीक है। परसेंटेज के लिए क्या करूं 100, 5 2 9 10, 0 5 8 40, 20.8% क्या हुआ कम, कमी तो होगा, पहले 500 था 396 हो गया, तो क्या हुआ 104 कम हो गया, ठीक है। आगे चले,
उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और इस सेशन में आपको मजा भी आ रहा होगा। कोशिश की जा रही है हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जाए, एसएससी एमटीएस से लेकर एलडीसी से लेकर सीपीओ सीजीएल प्री मेंस सभी के क्वेश्चन आपको करवाए जाए ताकि आपके हर तरह का क्वेश्चन आप निकाल सकते हो इससे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत हो जाए ताकि आप क्वेश्चन को देखकर घबराओ ना। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी कर दी जाए तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पूछा क्या जा रहा है आपसे कि एक वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी कर दी जाए। ठीक है, अब क्षेत्रफल एक स्क्वायर का, देखो अगर हम बात करें यहां पे क्षेत्रफल के रिगार्डिंग, क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं भुजा गुना भुजा, चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, अब पहले क्षेत्रफल था 100 भाई, आप 19% की कमी कर दी तो कितना हो गया 81। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक, समझ पाए होंगे आप। और ये क्या हो गया भुजा का ये स्क्वायर, तो मैं इसको क्या कर दूं रूट, क्योंकि मुझे क्या निकालना है डायगनल, तो उसका भी क्या कर दूं रूट। ये क्या आ गया 10, अब ये क्या आ गया 9। ठीक है, पहले 10 था अब 9, कितने की कमी हुई 1 की, कितने पे 10 पे इंटू में 100, क्या आ गया मेरे पास 10% क्या हो गया मेरा आंसर। दोबारा से देखो, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा गुना भुजा होता है या फिर कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर होता है, तो वो 19% कम हो गया क्षेत्रफल, पहले 100 था अभी 81 हो गया। अगर मुझे डायगनल निकालना है तो मैं उसको रूट करूंगा क्योंकि भुजा का स्क्वायर है ये, तो पहले डायगनल कितना था 10 था, अब कितना हो गया 9 हो गया, कितना कम हुआ है 1 कम हुआ है, कितने पे हुआ है 1 कम हुआ है मेरा 10 पे इंटू में परसेंटेज के लिए 100, तो कितना 10%। ठीक है, आगे चले चलिए, कहा जा रहा है यदि एक याद की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार हो चुके हैं इसी वीडियो में, चलिए दोबारा से देखते हैं। देखो, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है क्या एरिया। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया होता है। अब 40% को मैं फ्रैक्शन में करूं तो 20 × 40 = 50। ठीक है, पहले लेंथ कितनी थी 5, अब लेंथ होगी कितनी 7। कहा जा रहा है उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए, मैं कहता हूं पहले ब्रेथ कितनी थी 7, तो एरिया कितना था 35। उसी क्षेत्रफल को बनाए, क्षेत्रफल कितना बनाए रखें 35 का 35, तो यहां मैं क्या लिख दूं 7 × 35। आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखा गया क्यों लिखा गया, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। देखो पहले चौड़ाई कितनी थी, थोड़ा पहले 7 थी 5 होगी, तो कितने की कमी होगी 2 की। ठीक है, कितने पे 7 पे इंटू 100। ठीक है, पहले चौड़ाई कितनी थी 7, अब कितनी होगी 2, तो कमी कितने की हुई 2। ठीक है, पहले 7 थी अब 5, तो कमी कितने की हो रही है 2। अब बात करेंगे 200/7, 7 × 2 = 14। ठीक है, 28.6 क्या हुआ हमारा राइट आंसर। चलिए आगे चले चल, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपना कमेंट करना ना भूलें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा,
और जो नेक्स्ट सेशंस आएंगे वो भी आपको अच्छे लगेंगे। मैं ये भी आशा करता हूँ जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इस टाइप से या इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है घनाभ का आयतन, आयतन होता है घनाभ का एल बी एच, इसको कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब पहले कितना था भाई 10%, कितना 1/10, 20%, 1/5 और 20%, 1/5। ठीक है, पहले एल कितना था भाई 10, बी कितना था 5 और एच कितना था 5, 5 5 25 और 10 250। ठीक है, अब हो गया कहा जा रहा है इनमें वृद्धि की गई, 10 से हो गया कितना 11। ठीक है, 5 से कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया, ऊंचाई में क्या की गई है, कमी की गई है, ये ध्यान रखना भाई। ये जोड़ा गया है, ये भी जोड़ा गया, ये कितना हो गया 4। ठीक है, तो पूछा जा रहा है घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो अगर मैं यहां से इसको बिल्कुल और शॉर्टकट करना चाहूं तो मैं इसको यहां से कैंसिल आउट भी कर सकता हूं। ठीक है, चलिए अब ये देखो 11 चौक 44। ठीक है, 11 चौक 44, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई, वृद्धि हुई है 14 की। ठीक है, 14 की किस पे हुई है 250 पे, 25 चौका 100, 10, 2 5 10, 2 2 4, 14 2 28/5 या फिर कह सकते हैं 5 5 25 3 5 6 30, 5.6%। डी हमारा क्या होगा राइट आंसर। देखो इसमें घनाभ की वॉल्यूम के बारे में बात की गई थी। ठीक है, आपको लेंथ यहां पर गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, लंबाई और चौड़ाई क्या हो रही है बढ़ रही है और ऊंचाई क्या हो रही है कम हो रही है। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऐसे करके हम पहले वाला निकाल लेंगे, पहला वॉल्यूम क्या है, और ऐसे करके हम घटने के बाद जो वॉल्यूम या बढ़ने के बाद जो वॉल्यूम बना वो निकाल लेंगे। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है, आयतन में बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी हम पीछे वाली जो वॉल्यूम है उस पर निकाल देंगे उसकी परसेंटेज। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यदि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है। देखो आयत का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब 40% का मतलब हो गया, आप लोग समझ भी गए होंगे, 2/5 और 20% का मतलब हो गया 1/5। ये क्या किया जा रहा है, बढ़ा दी जा रही है, ये क्या किया जा रहा है, कम की जा रही है। ठीक है, पहले कितनी चौड़ाई थी भाई, लंबाई थी 5, अब कितनी हो गई 7। पहले कितनी थी भाई चौड़ाई 5, अब कितनी हो गई 4। पहले एरिया कितना बना था 25, अब एरिया कितना बना 28। पूछा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल x प्रतिशत बढ़ जाता है तो x का मान गया, ये देखो बड़ा कितना है, 3 ही तो बड़ा है, 3 बढ़ गया किस पे भाई 25 पे, इंटू में 100, 25 चौका 100, 4 3 12%। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 12%। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के हम पहले ही बहुत सवाल कर चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस एक और सवाल था। चलिए आगे चलें। ये देखो कहा जा रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल में 32.25 की वृद्धि हुई तो वृत्त की प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप का सवाल हमने पहले भी किया था। ठीक है, वहां 100 और 81 के बारे में बात थी। ठीक है, या उसी टाइप का ये सेम क्वेश्चन है,
ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं, ठीक है? ठीक है, इसका आंसर रहेगा आंसर डी। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको घर पे इसको बनाने की कोशिश करें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन जरूर बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।